literature book. So I read the poem, open your book and see the text. This poem is written by Tony Mitten. Okay, let's start. Forest, my mother, feed me your food. Forest, my father, raise me my roots. Forest, my shelter, spread me your shade. As I walk in the glow of your green forest glade. यहाँ पर कवि कहता है वन जो वन है या जंगल है वो मेरी माँ है. मेरी माँ है और मुझे आप अपना फल खिलाओ और जो इस जंगल जंगल में जितने भी पेड़ हैं उसकी जो जड़ें हैं वो मेरे पिता हैं. यानी जैसे पिता कोई भी पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और फिर उसकी जड़ें मजबूत करता है तो कैसे करता है. पिता जो होते हैं हमारे पापा होते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें ऐसी अच्छी शिक्षा देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं हमारे लिए ताकि हम सोसाइटी में स्टेबल हो सकें, हम सोसाइटी में जीने का तरीका सीख सकें. तो यहाँ पर जो कवि है वो जो वन जो है वन या जंगल है तो उसको अपनी माँ के रूप में लेता है और कहता है कि माँ मुझे अपना फल खिलाओ. जैसे हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है और हमको बहुत प्यार से खिलाती है वैसे ही वो जंगल से कहता है कि माँ मुझे फल खिलाओ. और जो पिताजी पिता हैं वो ये मेरी जड़ें हैं जो बहुत मजबूत हैं. वन मेरा आश्रय, फॉरेस्ट माय शेल्टर, स्प्रेड मी योर शेड. वन जो है वो मेरा आश्रय है. शेल्टर मीन्स क्या होता है, रहने के लिए जो घर होता है या आश्रय होता है. मुझे अपनी छटा बिखेरो, स्प्रेड योर शेड. स्प्रेड मीन्स क्या होता है, बिखेरना. तो मुझके मेरे ऊपर जो है वो अपनी छटा को बिखेर दो. जैसे कि जो पेड़ होते हैं वो हमको छाया देते हैं उसी ही प्रकार वो कहता है वन से कि मुझे अपने आश्रय में ले लो और मेरे ऊपर अपनी छटा बिखेरो. एज आई वॉक इन द ग्लो ऑफ योर ग्रीन फॉरेस्ट ग्लेड. जैसे मैं तुम्हारे हरे भरे जंगल की चमक में चमकता हूँ, जैसे मैं तुम्हारे हरे भरे जंगल की चमक में चमकता हूँ, इसी तरीके से तुम मुझे अपने पास रखो. Understood all of you? Then now see next stanza. Forest of whispers and intricate ways, forest of spirit that slip through your maze, forest of mystery, dark and deep, you glide like a snake through my walking and sleep. Second is forest of whispering. Whispering मतलब फुसफुसाना. जब हम कोई बात अपने फ्रेंड से करते हैं, चुपचाप बताते हैं, हम कान में धीरे धीरे बोल जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं विस्तरिंग करना या फुसफुसाना. फॉरेस्ट ऑफ इसमें एंटीकेट वेज, जो फुसफुसाते हुए जटिल तरीके से, यानी एंटीकेट वेज क्या होता है, डिफिकल्ट मैनर. तो जटिल, डिफिकल्ट मीन्स जटिल या कठिन, जो कठिन होता है. फुसफुसाते हुए जो कठिन तरीके से जंगल में जो आत्माएं हैं, फॉरेस्ट ऑफ स्प्रेड दैट स्लिप थ्रू योर मेज, जंगल आत्माओं के जंगल जो आपको भूल भुलैया से फिसलते हैं, जंगल की आत्माओं में जो आप भूल भुलैया से फिसलते हुए, फॉरेस्ट ऑफ मिस्ट्री जो जंगल में गहरा राज होता है. मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, राज. यानी हमारे पास कोई ऐसी मिस्ट्री हो, हमारे पास कोई राज हो जो हम अपने फ्रेंड को बहुत तरीके से बताते हैं या बहुत धीमे बताते हैं, तो वहाँ यहाँ पे भी कभी कहते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ मिस्ट्री डार्क एंड डीप, जो हमारा रहस्य है, फॉरेस्ट का जो रहस्य है वो बहुत ही डार्क एंड डीप में, यानी बहुत गहराई में और बहुत अंधेरे में छुपा हुआ है. यू ग्लाइड लाइक अ स्नेक थ्रू माई वॉकिंग एंड स्लीप, और इसके माध्यम से मैं सांप की तरह फिसलते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ. Let's see the third stanza. Forest, the home of animals, birds and men. Forest, the meaning I understand. Forest, the ground where I place my thread, where I beat my billion and pillow my head. यहाँ पर कवि कहता है forest, the home of animals. Forest, सबको पता है आप लोगों को कि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और मनुष्य भी रहते हैं. तो जो जंगली हैं, आदि मानव जैसे लोग हैं, जो बहुत प्रजातियाँ हैं, कबीले हैं, आज वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं.
तो जो वन है, पशु पशी है, ये की सारी चीजें क्या है? जंगल इनका घर है, जंगल जो है वो हमारा घर है, क्योंकि बिना जंगल के हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमको जंगलों से मिलती हैं, बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारे ये हमको लकड़ियाँ मिलती हैं जिसका हम फर्नीचर यूज करते हैं। तो उसमें कहता है, जिसका अर्थ मैं समझता हूँ कि वह मैदान जहाँ मैं अपना स्थान रखता हूँ, फॉरेस्ट द मीनिंग आई अंडरस्टैंड, वह जगह जहाँ पर कवि अपना स्थान रखता है, कहता है जहाँ मैं सांस लेता हूँ, जहाँ पर व्हेन आई ब्रीथ, जहाँ पर मैं सांस लेता हूँ और जहाँ पर मैं अपना सर तकिए पे, पिलो पे रखता हूँ। जैसे आप कंफर्टेबल होकर सोना जाते हैं तो आप अपने बेड पे बहुत बढ़िया से पिलो लगा कर कूलर के आगे या फैन के नीचे लेटते हैं ना, तो ऐसे ही कवि को लगता है कि जो फॉरेस्ट है वो मेरा घर है और उस फॉरेस्ट में जो है मैं समझ गया कि ये फॉरेस्ट मेरे लिए बहुत ही सुंदर घर है और इस फॉरेस्ट में मैं बहुत आराम से तकिया लगा के सो सकता हूँ। द लास्ट फॉरेस्ट द वर्ल्ड आई डिपेंड अपॉन, वेयर वेल आई वॉक वेल माई फॉरेस्ट हैज गॉन। द लास्ट टू लाइन्स, वन मैं जिस दुनिया पर निर्भर हूँ, यानी वन हम लोग ज़्यादातर मोस्टली पीपल किस पर डिपेंड है, वन पे ही निर्भर है। फॉरेस्ट क्या है? हमारे लिए एक वरदान है। तो तभी यहाँ पर कहता है फॉरेस्ट द वर्ल्ड, फॉरेस्ट जो है वही मेरी दुनिया है जिस पर मैं डिपेंड हूँ। वेयर वेल आई वॉक, जहाँ पर मैं चला गया तो मैं वहाँ, वेन माई फॉरेस्ट हैज गॉन, अगर मैं वन चला गया तो मैं कहाँ चलूँगा? अगर ये सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाए या सारी दुनिया बिल्कुल प्लेन हो जाए और एक भी पेड़ ना रहे तो कोई बचेगा दुनिया में? कोई नहीं। इस पोयम के माध्यम से पोएट ने ये समझाया है कि जो वन है या जो फॉरेस्ट है हमारी लाइफ में वो बहुत एसेंशियल है, उसके बगैर हम धरती पे जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो वन है वो हमको फूड देता है, शेल्टर देता है और हमको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन भी देता है। अगर वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, बहुत गर्मी होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन नहीं होगी, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो देंगे नहीं तो हम क्या जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। दैट नाउ द पोएम इज कंप्लीटेड एंड सी पेज नंबर 8 इन योर बुक, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द चिल्ड्रन इन योर नोटबुक नोट डाउन ऑन द वर्ड मीनिंग्स इन योर क्लासवर्क नोटबुक एंड आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द वर्क ऑफ दिस चैप्टर इन योर वर्कशीट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। सो आई होप ऑल यू हैव रिटन दिस। सो गुड बाय चिल्ड्रन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।